नमस्कार कैसे हैं आप आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ इस वक्त अपने टेलीविजन सेट के सामने बैठे आप जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वह किन चीजों की वजह से संभव है जी हाँ आप कहेंगे टेलीविजन इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि इसी तरह से आप जो ऑनलाइन कक्षा अटेंड करते हैं उसमें भी आप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन का तो क्योंकि टेलीविज़न मोबाइल तथा लैपटॉप इन कोविड के दिनों में आपकी अध्ययन में आपके लिए सहाय हैं तो यह संसाधन हुए इस तरह से हमारे आसपास मिलने वाले वो सभी वस्तुएं जो किसी न किसी तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं आपको लगता होगा कि सभी संसाधन प्राकृतिक हैं लेकिन ऐसा नहीं है किसी वस्तु को संसाधन बनाने में मानव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक की सहायता से नई नई संस्थाओं का निर्माण करता है तथा वस्तुओं को संसाधन बनने में महत्वपूर्ण योगदान देता है तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय है जिसका नाम है संसाधन और विकास पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत सामुदायिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार और संचित कोष आइए अब इनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हैं उत्पत्ति के आधार पर यह वह संसाधन होते हैं जिनका वर्गीकरण उनकी प्राप्ति के आधार पर किया जाता है यह दो प्रकार के होते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन जैव संसाधन वह संसाधन हैं जिनमें जीवन व्याप्त है जैसे मनुष्य पेड़ पौधे समुद्री जीव जंतु पशुधन इत्यादि अजैव संसाधन यह वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उदाहरण के लिए चट्टाने धातुएं इत्यादि समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं नवीकरण योग्य संसाधन तथा अनवीकरण योग्य संसाधन वह संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा अनवीकरण योग्य संसाधन इन संसाधनों को अनवीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं उदाहरण के लिए खनिज और जीवाश्म ईंधन इनके बनने में न केवल कई वर्ष लग जाते हैं बल्कि इनमें से कुछ संसाधन ही चक्रिय हैं जैसे पुनः चक्रिय का अर्थ है जिन्हें एक से अधिक बार प्रयोग किया जा सके जबकि जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधन अचक्रीय हैं, जो एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाते हैं स्वामित्व के आधार पर यह वे संसाधन हैं जिनका वर्गीकरण संसाधनों पर होने वाले अधिकारों के आधार पर किया गया है इनमें सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उदाहरण के लिए गांव में कुछ लोग भूमि के स्वामी होते हैं और कुछ लोग उनकी भूमि पर काम करते हैं क्योंकि उनके पास स्वयं की भूमि नहीं होती इसी तरह से शहरों में लोगों के पास अपना घर अपनी जायदाद होती है क्या आप अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बना सकते हैं स्वामित्व के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है सामुदायिक स्वामित्व इन संसाधनों पर समुदाय का अधिकार होता है उदाहरण के लिए खेल के मैदान चारागाह, तालाब नदियां सरकारी अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय संसाधन यह संसाधन वह हैं जिन पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है कभी कभी कुछ परिस्थितियों में सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी जनहित में अधिग्रहित कर सकती है उदाहरण के लिए सड़कें रेलवे लाइनें नहरें, पुल इन सबको बनाने के लिए सरकार व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को अधिग्रहित करती है और जिन लोगों की यह संपत्ति होती है उन्हें इसका उचित मूल्य भी दिया जाता है क्या आपने शहरी विकास प्राधिकरण अर्थात अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम सुना है सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार शहरी विकास प्राधिकरण को दिया हुआ है इसी तरह राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर की सारी भूमि तथा 12 समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र तथा इसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं समुद्री मील या जिसे हम नॉटिकल माइल कहते हैं वह क्या है समुद्र की दूरी को समुद्री मील में मापा जाता है यह लंबाई की एक इकाई है तथा नौ संचालन और वैमानिकी में प्रयोग की जाती है अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक समुद्री मील एक दशमलव आठ पाँच दो किलोमीटर के बराबर है भारत का समुद्री मील बारह समुद्री मील है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन जिनका नियंत्रण कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं उदाहरण के लिए रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है तथा इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता संभावित संसाधन वह संसाधन हैं जो उपलब्ध तो हैं, परंतु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा उदाहरण के लिए भारत में राजस्थान और गुजरात जो कि भारत के पश्चिमी भाग में हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा संसाधनों की बहुत बड़ी संभावना है परंतु अभी सही तरीके से उनका विकास नहीं हुआ है विकसित संसाधन यह वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है इनके उपयोग व गुणवत्ता की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है इसका मतलब है कि यह वे संसाधन हैं जो हम प्रयोग में ला रहे हैं लेकिन यदि इनका अत्यधिक प्रयोग किया गया तो आने वाली भावी पीढ़ियाँ इसका लाभ नहीं उठा पाएंगी उदाहरण के लिए ये पेट्रोल पेट्रोल की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही कम है और यदि हम इसे अभी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगी भंडार भंडार पर्यावरण में उपस्थित पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक के अभाव में यह पहुंच से बाहर हैं इसका मतलब है कि यह पदार्थ हमारे पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं परंतु इन्हें प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक सही प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी अभी नहीं है उदाहरणतः जल जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है संचित कोष संचित कोष भंडार का ही हिस्सा है तकनीक द्वारा इसे प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है परंतु भविष्य में ज़रूरत पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है आप जहां रहते हैं वहां के आसपास पाए जाने वाले भंडार और कुछ संचित कोष की सूची बनाएं और हो सके तो अपने अध्यापक या माता-पिता के साथ इस पर चर्चा करें अब बात करेंगे संसाधनों के विकास की मानव जीवन के लिए संसाधन अति आवश्यक हैं परंतु हम सब ने अपने स्वार्थ व लालच के लिए इनका प्रयोग बिना सोचे समझे किया है यही वजह है कि आज हमारे सामने बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जैसे संसाधनों का हास संसाधन कुछ लोगों के हाथ में ही आए हैं इससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है अमीर और गरीब इसके अलावा संसाधनों के अत्यधिक शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण भूमि निम्नीकरण ओजोन परत को नुकसान पृथ्वी पर बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हमें देखनी पड़ रही हैं ज़रा सोचें यदि आज पृथ्वी पर खनिज तेल खत्म हो जाए तो क्या इसका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर पड़ेगा यदि पड़ेगा तो कैसे तो यह बहुत आवश्यक है कि समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो साथ ही हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की उचित योजना बनाई जाए क्योंकि यदि आज हमने इसके बारे में ना सोचा तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए सतत पौषणीय विकास बहुत ज़रूरी है सतत पौषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया में भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिल सके उदाहरण के लिए जब किसान कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मिट्टी में रासायनिक खाद व कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है अब किसान को वर्तमान समय में उपज ज़्यादा मिल गई परंतु भविष्य में किसान शायद उसमें कृषि भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मिट्टी को बनने में कई सौ साल लग जाते हैं अतः सतत पौषणीय विकास के लिए आवश्यक है कि वर्तमान समय में मृदा का इस्तेमाल ध्यान से किया जाए तथा रासायनिक खाद व कीटनाशकों का विकल्प जैसे जैविक खाद व कीटनाशक इस्तेमाल किए जाएं। जून 1992 में रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए इस सम्मेलन का उद्देश्य था पृथ्वी पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना इस सम्मेलन में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए थे सभी ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दे दी एजेंडा 21 क्या था यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य है समान हितों को बढ़ावा देना पर्यावरण क्षय को रोकना जिसके लिए सभी राष्ट्र अपनी जिम्मेवारी समझें तथा गरीबी और रोगों से निपटना संसाधन नियोजन हमारे पास जो भी संसाधन हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग व प्रबंधन करना ही संसाधन नियोजन है किसी भी देश या राज्य के पास सभी संसाधन उपलब्ध नहीं होते हमारे देश के संदर्भ में तो संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में विविधता है जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है इसका क्या कारण है इसका कारण है वहाँ पर तकनीक का अभाव इसी तरह से यदि राजस्थान को देखें तो वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा की बहुतायत है परंतु जल संसाधनों की कमी है इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हर स्तर पर अर्थात राष्ट्रीय प्रांतीय प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संसाधन का नियोजन किया जाए आप भी अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची बनाएं और जानने की कोशिश करें कि आपके राज्य में कौन कौन से संसाधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और किन संसाधनों की मात्रा कम है जब हम संसाधन नियोजन की बात करते हैं तो भारत में संसाधन नियोजन के लिए जो मुख्य कारक हैं वह हैं देश के अलग अलग प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके एक सूची तैयार करना इसके लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है तथा मानचित्र बनाकर फिर संसाधनों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उसके उपयुक्त प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक कौशल तथा ढांचा तैयार किया जाता है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय भी स्थापित करना आवश्यक होता है इसका मतलब है कि संसाधन भी उपयोग हो और राष्ट्र का विकास भी हो हमने इसी अध्याय में सतत पोषणीय विकास की बात की थी तो विकास इस तरह का ही होना चाहिए जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी तो उस समय में संसाधन नियोजन करने के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक है कि वहां पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों परंतु कभी कभी किसी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हुए भी तकनीक या प्रौद्योगिकी के अभाव में वहाँ आर्थिक प्रगति नहीं हो पाती और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ संसाधन तो कम हैं परंतु वह आर्थिक रूप से विकसित हैं जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली गोवा गुजरात केरल सिक्किम वह राज्य है जिनके पास बड़े स्तर पर संसाधन नहीं हैं परंतु ये क्षेत्र विकसित हैं परंतु झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पर्याप्त खनिज होते हुए भी यह इतने विकसित नहीं हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं हमें उपनिवेश का इतिहास बताता है कि जिन उपनिवेशों में प्राचीन समय में संसाधन प्रचुर थे वहाँ विदेशी आक्रमणकारी आए और उन्होंने अपनी बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे संसाधनों का शोषण किया और उपनिवेशों में अपना अधिकार भी स्थापित किया भारत ने भी एक लंबे समय तक उपनिवेश के विभिन्न चरणों का अनुभव किया है इसी वजह से भारत में संसाधन विकास संसाधनों की उपलब्धता पर ही नहीं बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी मानव संसाधन की गुणवत्ता और हमारे ऐतिहासिक अनुभव भी महत्वपूर्ण रहे हैं अब यह तो बात हुई संसाधनों की उपलब्धता और उनके नियोजन की परंतु जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं शायद ये भूलते जा रहे हैं कि बिना सोचे समझे संसाधनों का अति उपयोग हमारे लिए कई सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है जैसे प्रदूषण बाढ़ चक्रवात तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इसलिए यह आवश्यक है कि संसाधनों का संरक्षण किया जाए गांधी जी ने भी संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया था और कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधन संरक्षण की बात समय समय पर होती रही है सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने 1968 में इसकी बात की फिर शुमेसर ने 1974 में अपनी बुक स्माइल इज़ ब्यूटिफुल में इसकी बात की इसके बाद उन्नीस में ब्रंटलैंड की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर यहीं से सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सामने आई सतत पोषणीय विकास जैसा कि आप जानते हैं ऐसा विकास जिसमें वर्तमान विकास प्रक्रिया में भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान में रखा जाए तथा पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे ब्रेंटलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी जिन्हें अमेरिका ने ये जिम्मेवारी दी थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ही इस कमीशन का गठन किया था इस कमीशन ने भी कहा था कि संसाधनों का बिना सोचे समझे शोषण हो रहा है और ज्यादातर संसाधन कुछ लोगों के हाथों में ही हैं, जिसकी वजह से समाज अमीर और गरीब में बंट गया है कुछ लोगों के पास तो इतना है कि वह संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ के पास इतना भी नहीं है कि वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें उदाहरण के लिए कुछ बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो कुछ बच्चे मोटापे का इसी तरह से विवाह शादी या बड़े आयोजनों में कुछ लोग तो अपनी थाली में आवश्यकता से अधिक डाल लेते हैं और बाद में वह भोजन थाली में ही छोड़ देते हैं बिना यह सोचे कि जो खाना वह बर्बाद कर रहे हैं वह किसी भूखे व्यक्ति का पेट भर सकता था तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें और संसाधनों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें उन्नीस में रियो डी जेनेरियो में भी संसाधन संरक्षण के संदर्भ में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं अभी तक हमने किया संसाधन क्या होते हैं संसाधनों का वर्गीकरण सतत पोषणीय विकास अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन नियोजन तो क्या आप तैयार हैं अब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सभी संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव वस्तुओं को संसाधनों में परिवर्तित करता है संसाधनों को उनकी समाप्यता के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है नवीकरण योग्य तथा अनवीकरण योग्य समुद्री मील है भूमि को मापने की इकाई समुद्र की दूरी को मापने की इकाई ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए तथा वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखे उसे कहते हैं सतत पौषणीय विकास पौषणीय विकास तो आज के लिए बस इतना ही मैं चाहूँगी कि आप अपने अध्यापक अपने दोस्तों या अपने माता पिता के साथ इस बात पर चर्चा ज़रूर करें कि संसाधनों का संरक्षण आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है क्योंकि आपकी पीढ़ी ही संसाधन संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है इस अध्याय के बाक़ी हिस्से पर हम कल बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार